दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने बॉलिंग एक्शन टेस्ट दे दिया है जिसका नतीजा 14 रोज बाद जारी किया जाएगा। मोहम्मद हफीज ने आईसीसी की नामजद यूनिवर्सिटी में गेंदें करवाकर डाटा रिकॉर्ड करवाया। वाज़ह है कि मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन पहली बार 2005 में रिपोर्ट हुआ था और फिर नवम्बर 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दूसरी बार रिपोर्ट हुए। अप्रैल 2014 में क्लियरेंस के बाद 2 माह बाद ही गॉल टेस्ट में दोबारा एक्शन की रिपोर्ट हो गई, जिस पर उन्हें 1 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा। पाबंदी के खात्मे के बाद वो दोबारा कौमी टीम में शामिल हुए तो गुज़श्ता साल नवंबर में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान फिर उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया। मोहम्मद हफीज ने बॉलिंग एक्शन टेस्ट के दौरान कई गेंदें कराई जिनका कैमरों में डाटा मुरतब कर लिया गया है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि मोहम्मद हफीज बुध को इंग्लैंड से वतन वापस रवाना होंगे, जबकि टेस्ट का नतीजा 14 रोज बाद सामने आएगा और आईसीसी इनके बॉलिंग एक्शन का क्लियर होने या ना होने का बाज़ाब्ता ऐलान